नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार में बनने वाले बाईपास व फ्लाईओवरों के लिए पथ निर्माण विभाग द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जारी गाइडलाइन के अनुसार फ्लाईओवर या सड़क चिन्हित होते ही बिना देर किए उसकी डीपीआर बनेगी। वहीं यदि एलिवेटेड की जरूरत होगी तो बिहार राज्य पुल निर्माण निगम डीपीआर बनाएगा। 28 फरवरी तक सभी डीपीआर विभाग को भेजने को कहा गया है। 2021-22 और 2022-23 में सभी बाईपास को मंजूरी मिल जाएगी, जबकि निर्माण कार्य 2023-24 में पूरा कर लिया जाएगा। नीतीश सरकार के 7 निश्चय योजना 2 के तहत बनने वाले बाईपास और फ्लाईओवरों को लेकर बीते 4 जनवरी को ही पथ निर्माण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया गया था। आपको बता दें कि राज्य के विभिन्न इलाकों में लगने वाले जाम की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए 120 बाईपास बनाए जाने हैं। इसी के आलोक में विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसके अनुसार जहां जहां बाईपास बनाए जाने हैं वहां कार्यपालक अभियंता खुद निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण में देखा जाएगा कि वहां बाईपास के लिए सड़क बनाया जाना ज्यादा आसान होगा या फ्लाईओवर। इंजीनियरिंग दृष्टि से कम पैसे में जो बनेगा उसी का निर्माण सुनिश्चित होगा। सुलभ संपर्कता के तहत होने वाले इन कार्यों के लिए जारी पत्र में मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता व कार्यपालक अभियंता को बिना देर किए इस पर अमल करने के लिए कहा गया है। पत्र के अनुसार पहले चरण में IDPR को शीघ्र मंजूर किया जाएगा, वहीं दूसरे चरण में आने वाले DPR की मंजूरी अगले वित्तीय वर्ष में दी जाएगी। पथ निर्माण विभाग की योजना है कि फरवरी तक बाईपास योजना पर काम शुरू हो जाए, ताकि प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए अगले वित्तीय वर्ष में निविदा प्रकाशित हो सके। पत्र के अनुसार बाईपास की चौड़ाई कम से कम 7 मीटर की होगी। मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीण कार्य, नगर निकाय और जल संसाधन के प्रस्तावित सड़कों में जमीन नहीं होने पर जमीन अधिग्रहण का काम भी किया जाएगा। जहां भी नई सड़क बनाने की आवश्यकता होगी वहां 30 मीटर जमीन अधिग्रहण किया जाएगा, जबकि पूर्व में बनी सड़कों में 14 मीटर जमीन पर्याप्त मानी जाएगी। कार्यपालक अभियंता हर रोज इस कार्य की समीक्षा करेंगे। प्रारंभिक प्रतिवेदन जनवरी 2021 तक तैयार हो जाएगा। बताया गया है कि 2022-23 में इस योजना को वार्षिक कार्य योजना में शामिल किया जाएगा। ठेकेदारों की समस्या का ऑनलाइन समाधान किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग ने ठेकेदारों को होने वाली समस्या के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। विभाग की ओर से एक ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध कराया गया है, जिसमें वो अपनी लंबित समस्याओं को दर्ज करा सकेंगे। विभाग के सभी पदाधिकारी उसे देखेंगे। एजेंसियों की समस्याओं के निपटारे में देरी करने वाले अधिकारियों पर विभाग ने कार्रवाई करने के उद्देश्य से एजेंसियों को यह सुविधा दी है। बताते चले कि बिहार में किसी भी कोने से 5 घंटे में पटना पहुंचने की योजना को धरातल पर उतारने के लिए पथ निर्माण विभाग ने कई योजनाएं बनाई है। इसी कड़ी में राज्य में जरूरत के अनुसार बाईपास, फ्लाईओवर व एलिवेटेड सड़क बनाने का निर्णय लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पथ निर्माण विभाग सरकार के 7 निश्चय योजना 2 के तहत सुलभ संपर्कता योजना पर काम कर रहा है। बताया जा रहा है कि इसके तहत राज्य भर में 120 बाईपास बनाए जाएंगे। हालांकि बाईपास बनने में 3 साल का समय लगने का अनुमान है। तब तक इन सड़कों से गुजरने वालों को जाम की समस्या का सामना ना करना पड़े, इसके लिए तत्काल में कुछ ठोस उपाय किए जाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।